हम लोग मेन मेन्यू में आते हैं, देखिए यहाँ पे तीन बटन्स है, तीन या थ्री लाइन्स है इसको, ये मेन मेन्यू है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू खुलता है। होम होम में मतलब मेन पेज में घुस जाइएगा। क्यूआर स्कैन टिकट, क्यूआर स्कैन टिकट बहुत ही यूज़फुल मुझे लगा, ये बहुत ही यूज़फुल है हम लोग के लिए। इसमें आप जो फ्रॉड आपका जो लेके आपका आधार कार्ड लेके आता है, हाँ उसको आप चेक कर सकते हैं। उसका आप क्यूआर कोड को स्कैन करिए, फ्रॉड जो रहेगा या फॉल्स जो रहेगा वो आप उसको पकड़ सकते हैं। अच्छा, जो टिकट में जो ये रहता है एडिटेड टिकट रहता है उसको आप चेक करके इसको पकड़ सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है हम और उसके लिए। ये चार्ट व्यू सेम एज व्यू चैट सेम है। ये चार्ट व्यू आप करेंगे या फिर यहाँ पे आप व्यू चैट करेंगे, दोनों एक ही है। उसके बाद फिर वैकेंट बर्थ्स, पटना गाड़ी में तो कुछ वैकेंट नहीं मिलता है अब, जैसे स्टील गाड़ी हुआ या दीघा गाड़ी, इसमें वैकेंट बर्थ्स ये टच करने से वैकेंट बर्थ्स आएगा। देख लीजिए पटना गाड़ी में कुछ भी नो वैकेंसी, इसमें कुछ आया ही नहीं, वैकेंट बर्थ पूरा ब्लैंक है। अच्छा, वैकेंट बर्थ के बाद है आपका पेपर ई एफ टी। ये इसमें काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, जो मैं रिपोर्ट किया हूँ इसको, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ इसको। इसमें देखिए रीज़न ऑफ ई एफ टी किस लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेरा जो बुकलेट, मेरा जो इशू था ऑफिस से, वो उसका नंबर आया है BPL 345051। ट्रेन नंबर देखिए, ये पहले से इसमें लिखा हुआ है 2214। कलेक्टेड एट मतलब आप कहाँ पे क्या कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ कलेक्टेड एट पटना। अच्छा, ये आपका रीज़न क्यों आपने कलेक्ट किया, विदाउट टिकट, जर्नी एक्सटेंशन, अनबुक लगेज, क्लास अपग्रेड, नॉन पेनल्टी केसेस इन लियो ऑफ GC, मुझे लग रहा है ये गार्ड सर्टिफिकेट है, और LCC लोअर क्लास सर्टिफिकेट, स्मोकिंग, लिटरिंग, फ्री FT, अदर केसेस, अनबुक पेट, इरेगुलर ट्रेवल, कार्बन पेपर फॉल्ट। ये जैसे हम लोग का कभी कभी कैंसिल कर देते हैं, कार्बन मिस्टेक हो जाता है, तो उसके चलते ये दिया हुआ है। अच्छा, कैंसिल लास्ट में, इसको हटाने के लिए कैंसिल है। तो FT का ये सारा बनाने का रीजन्स है, इसमें मैं देख के दिखाता हूँ आपको विदाउट टिकट जैसे मैं बना रहा हूँ। अच्छा, इसमें मैंने विदाउट टिकट रीजन में डाल दिया। ऑलरेडी है टिकट वाउचर GC, विदाउट टिकट है तो उसके पास तो और कुछ टिकट GC कुछ नहीं रहेगा। कहाँ से कहाँ FT डिटेल्स भरना है, देखिए कहाँ से कहाँ पर। मान लीजिए मैंने बना रहा हूँ पटना टू मैं टिकट बना रहा हूँ शालीमार। देखिए टू शालीमार, ये सिर्फ P और S लिख रहा है। उसके बाद क्लास में जाता हूँ, क्लास स्लीपर ओके करिए, स्लीपर आ गया। इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल है, ये मैंडेटरी नहीं है, इसको नहीं भी भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 0 berths available, इसका मतलब है कि जब बर्थ जो वैकेंट रहेगा उसी को बुक कर सकते हैं। हम लोग जैसे बनाते हैं टिकट विदाउट टिकट फाइन बना देते हैं, वो चीज़ फिर इसमें नहीं है ऑप्शन। इसका मैं रिपोर्ट भी किया हूँ और हाई ऑफिसर से बात भी करना पड़ेगा इसके लिए। देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ था, इसमें आप जब सीट वैकेंट रहेगा तभी आप इसमें बना सकते हैं, तभी उसका डिटेल्स ये लेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं FT MIS, इसमें आप FT जो बनाएंगे उसका सारा डिटेल्स रहेगा। तो मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया, मैं बनाया हूँ फाइन बनाया हूँ लेकिन उसका डिटेल्स यहाँ पे इनपुट नहीं कर पाया हूँ, तो इसीलिए कुछ नहीं है उसमें। उसके बाद फिर वेट लिस्ट, देखिए ये वेट लिस्ट का पूरा चार्ट आ जाएगा। वेट लिस्ट टच करेंगे, वेट लिस्ट का पूरा चार्ट आप देख सकते हैं इसमें से। वेट लिस्ट के बाद फिर इसमें है RAC एलोकेशन, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। RAC एलोकेशन देखिए, RAC एलोकेशन जैसे ही टच करेंगे आपका ऊपर कोच आ जाएगा B1 में क्या दिखा रहा है, देखिए No RAC passenger in this coach, B1 में RAC नहीं था इसलिए No RAC passenger in this coach दिखा रहा है। S5 में देखिए, S5 में ऊपर में देखिए 8 लिखा हुआ है, मतलब 8 पैसेंजर्स का RAC है, ठीक है। अभी देखिए 15 नंबर में 2 RAC, यहाँ पे ध्यान से देखिए RAC कन्फर्म S5 36 इनका लिखा हुआ है। ये मैंने किया है इनका RAC कन्फर्म, इसीलिए लिखा हुआ है। इसको करने के लिए क्या करना है आपको, आप दोनों में से जिसको आप देना चाहें, जिसका आप सीट में जिसका आप देना चाहते हैं उसको आप टच करके रखिए 2 मिनट के लिए। देखिए यहाँ पे टच करने के बाद क्या लिखता है, बर्थ ऑलरेडी प्रोवाइडेड। जब आप बर्थ नहीं देंगे तो यहाँ पे आपका लिस्ट आ जाएगा, जो आप एंटी किए हैं या जो कैंसिल हुआ है वो बर्थ सारा आ जाएगा। उसको सिर्फ टच करिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें कुछ करने का नहीं, ऑटोमेटिक इसमें उनका सीट एलोकेट दिखाएगा। देखिए यहाँ पे सारा दिया हुआ है, देखिए इनका S1 में किया है मैंने, देखिए
किन्हीं का S1 में, किन्हीं का S2 में, मतलब जिस कोच में आप देंगे वहाँ पे इनका आ जाएगा REC कन्फर्मेशन। और ये चार्ट में भी आ जाता है, इसके लिए आपको कुछ कर चार्ट में कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक चार्ट में ही अपग्रेड हो जाता है। अच्छा ये हो गया, इसके बाद फिर इसका नेक्स्ट मेन्यू है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में देखिए, जैसे हम पुणे दुरंतो या फिर बॉम्बे दुरंतो या फिर आपका जसवंतपुर दुरंतो में जाने से हम लोग को वहाँ पे फूड ऑक्यूपेंसी दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए अब आपको कुछ मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी सब सारा डिटेल्स आ जाएगा। चेक करने के बाद क्या ऑक्यूपेंसी है, कौन सा फूड डिनाइड है, कौन सा फूड अच्छा है, उसके बाद फिर आइए इसमें ड्रॉप पैसेंजर्स है। ड्रॉप पैसेंजर्स का मतलब है जिनका ई टिकट ड्रॉप हो गया है, ई टिकट था, ई टिकट वेटिंग था जो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया है, उसको भी आप देख सकते हैं इसमें ड्रॉप पैसेंजर लिस्ट। ड्रॉप पैसेंजर लिस्ट के बाद फिर आप लोग इसमें आफ्टर चार्ट कैंसिलेशन है, आफ्टर चार्ट जो कैंसिल हुआ है उसको देख सकते हैं, नॉट चेक्ड पैसेंजर को देख सकते हैं, फेयर चार्ट देख सकते हैं। फेयर चार्ट का मैं डेमो दिखाता हूँ आपको, देखिए फेयर चार्ट टच करने के बाद आता है जर्नी क्लास। जर्नी क्लास मैं स्लीपर करता हूँ, ओके। स्लीपर के बाद सोर्स स्टेशन पटना, ओके। डेस्टिनेशन शालीमार, ओके। देखिए फेयर टोटल चल गया 475 रुपये बेसिक फेयर, और नीचे क्लास में देखिए 525 रुपये फाइन। हम लोग यही बनाते हैं, 525 रुपये फेयर लेते हैं, 475 रुपये बेसिक फेयर लेते हैं, 1000 रुपये का फाइन बनता है, वो परफेक्ट है। फेयर चार्ट हो गया, उसके बाद ये हो गया रिलीज टू PRS। ये जो हम लोग PRS को रिलीज़ करेंगे उसका लिस्ट आपके पास आ जाएगा, और इसमें तो कुछ वैकेंसी बस था ही नहीं इसीलिए नहीं है। अच्छा गाड़ी में डॉक्टर अगर है आपका, ये डॉक्टर्स को टच करिए। देखिए हम लोग का गाड़ी में डॉक्टर थे, डॉक्टर मुकेश कुमार, इनका सीट नंबर था B358, पटना से शालीमार आ गया था। इमरजेंसी में फिर आपको ये बहुत काम का चीज़ है, जो डॉक्टर कॉन्सेशन में टिकट बनाएंगे उन्हीं का इसमें नाम रहेगा, और जो बिना कॉन्सेशन का टिकट बना रहे हैं तो उनका तो खैर कोई डिटेल्स आएगा ही नहीं। उसके बाद नीचे देखिए पास बुकिंग, ये पास बुकिंग आपको डिटेल्स बताएगा कि पास में क्या बुक हुआ है, तो नो रिकॉर्ड ऑफ पास बुकिंग। पास बुकिंग आप कर भी सकते हैं, पास बुकिंग का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, पास बुकिंग का ऑप्शन था AFT में। पेपर AFT में पास बुकिंग का ऑप्शन था, वहाँ से आप ड्यूटी पास, अभी तो हम लोग प्रिविलेज पास को नहीं कर सकते हैं, प्रिविलेज पास में तो UPN नंबर होता है, लेकिन जो ड्यूटी पास में जा रहे हैं या कार्ड पास में या सिल्वर पास मेटल पास, उनका बुकिंग कर सकते हैं, वो बुक करने से ये सारा डिटेल सबका आ जाएगा। अच्छा पास बुकिंग के बाद आप आइए टीम मेंबर्स, टीम मेंबर्स में टच करने से आपका गाड़ी में जितने भी TT असाइंड रहेंगे उनका नाम आ जाता है, देखिए अभय कुमार, देवव्रता, डी राजू, ये कोड आया है इनका क्या कोच असाइंड है ये। अच्छा जो कोच कंडक्टर रहेंगे वो मॉडिफाइड असाइनमेंट करके आपका कोच जो आपका जो यहाँ लिखा हुआ है इसको चेंज भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन है। मेरा तो नहीं होगा क्योंकि मैं कंडक्टर नहीं था, कंडक्टर में ये ऑप्शन आता है कि मेरा देखिए मॉडिफाइड असाइनमेंट छूने से क्या दिखाता है, ये दिखा रहा है यू आर नॉट प्रिविलेज टू मॉडिफाई कोच असाइनमेंट, लेकिन जो कंडक्टर रहेंगे उनका सारा लिस्ट आ जाएगा, वो चेंज कर सकते हैं। टीम मेंबर्स के बाद हम लोग आते हैं अबाउट, अबाउट ये पूरा आपका जो ऐप है उसके बारे में है सारा डिटेल्स। अबाउट के बाद फिर देखिए नीचे क्या है, फीडबैक, फीडबैक में जाके आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, चार्ट डाउनलोड में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है, हाँ एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, पुअर हुआ है, वेरी पुअर हुआ है, या फीडबैक, फीडबैक देने से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उसके बाद नेविगेशन है, UI डिज़ाइन है, सिंक्रोनाइज परफॉर्मेंस है, एज टू एक्सेस है। उसके बाद नीचे ये सारा करने के बाद रिमार्क्स आएगा, आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे मैं EFT वाला जैसे मैंने बताया था कि फाइन टिकट जो हम लोग बना रहे हैं उसका फिर कोई डिटेल्स इसमें हम लोग पुट नहीं कर सक रहे हैं अभी, तो उसके लिए मैंने रिपोर्ट किया है, और दूसरा रिपोर्ट किया है जो TT बर्थ जो हम लोग को पता नहीं चल रहा है, इसमें TT बर्थ किस किस कोच में है वो पता ही नहीं चल रहा है, एलोकेशन वो दिखाता ही नहीं है, सिर्फ वो बर्थ नहीं बुक है, जैसे 7 नंबर जो है वो ब्लैंक दिखा रहा है, मतलब उस कोच में है ही नहीं जिस कोच में RAC है, वो पता नहीं चल रहा है कि आपका मतलब जो मैनुअल चार्ट है उसको बिना देखे आपको इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि अब TT बर्थ किस में है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम था, तो ये इशू मैंने कर दिया है रिपोर्ट। इसके बाद फिर लास्ट ऑप्शन था आपका लॉगआउट, तो मैंने लॉगआउट नहीं किया है आप लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि लॉगआउट कर देने से फिर मैं आपको इतना चीज़ नहीं बता पाता,
अभी लॉग आउट करूँगा तो फिर ये सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, फिर नया ड्यूटी मेरा जो असाइन होगा वो फिर सारा नया चार्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच।